दोस्तों अरशद वर्सी एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने कई सारे फिल्मों में एक कॉमेडियन एक्टर की तौर पर काम की है। इनके कॉमेडी बॉलीवुड की दूसरे कॉमेडियन एक्टर से काफी अलग है जो कि बहुत ही आसानी से लोगों के दिल चुराते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरशद वर्सी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी अरशद वर्सी पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनकी जन्म 19 अप्रैल सन 1968 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2023 के हिसाब से अरशद वर्सी अब 55 साल का हो चुका है। अरशद का हाइट है 168 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 5 इंचेस और वेट 70 किलोग्राम यानी कि 154 LBS। दोस्तों इनका चेस्ट 40 इंचेस, वेस्ट 34 इंचेस और बाइसेप्स 14 इंचेस। इनका आई कलर लाइट ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। बात करें इनके शिक्षा जीवन के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से की है। बर्निस स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देवलाली नासिक डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं की और इनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से 10th स्टैंडर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि अरशद वर्सी अपने स्कूल दिनों में एक बहुत अच्छा जिमनास्ट थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद वर्सी जब 18 साल का था तब उनके पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिर इसके 2 साल बाद किडनी फेल होकर इनके माताजी की भी मौत हो गई। दोस्तों इस बुरी वक्त में अरशद वर्सी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारा और जीरो से लेकर हीरो की सफर तय किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद वर्सी ने फाइनेंशियल इशू के कारण 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सेल्समैन के काम करना शुरू की। सच कहा जाए तो हिम्मत और हौसला अगर किसी को एक साथ मिलती है तो पूरी कायनात उसे कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले इन्होंने अकबर सामी की डांस ग्रुप ज्वाइन की थी और 1991 में इन्होंने इंडियन डांस कॉम्पिटिशन विनिंग ट्रॉफी को अपने नाम की थी। दोस्तों इसके बाद अरशद वर्सी ने खुद की एक डांस एकेडमी शुरू की थी जिसकी नाम थी आसम। दोस्तों अरशद वर्सी को अपने बीबी मारिया गोरेटी से पहले मुलाकात मल्हर फेस्टिवल के दौरान हुई थी जहाँ पर अरशद वर्सी एक जज थे और मारिया गोरेटी एक पार्टिसिपेंट थी। दोस्तों अरशद वर्सी एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है और इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में एक कोरियोग्राफर के तौर पर काम की है। दोस्तों इन्होंने सन 1996 में बॉलीवुड में डेब्यू की थी तेरे मेरे सपने मूवी से जो कि काफी हिट हुआ था और उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि ये फिल्म सिर्फ अरशद वर्सी के लिए हिट हुआ है। इसी के साथ साथ अरशद वर्सी ने एक फोटोलैब असिस्ट के तौर पर महेश भट्ट के साथ फिल्म काश और फिल्म ठिकाना में काम की है। दोस्तों इन्होंने संजय दत्त के साथ कॉमेडी मूवी मुन्ना भाई MBBS में काम किया था जहां पर इन्होंने सर्किट की किरदार निभाया था और इसके लिए इनको जिसने अवार्ड भी मिला था। दोस्तों अरशद वर्सी ने अपने करियर में कई सारे कॉमेडी फिल्मों में काम की है जिनमें धमाल, डबल धमाल, गोलमाल, गोलमाल अगेन जैसे कई फिल्म मौजूद है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों इनके पिताजी के नाम है अहमद अली खान। इनका एक भाई है जिसका नाम है अनवर हुसैन और एक बहन है जिसकी नाम है आशा सचदेव। अरशद वर्सी की वाइफ की नाम है मारिया गोरेटी जिनसे इन्होंने 14 फरवरी सन 1999 में शादी की थी। दोस्तों इनके बेटे की नाम है जेके और बेटी की नाम है जेने जो। चलिए बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास पहला कार है एक ऑडी Q7 कार जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, एक हार्ले डेविडसन बाइक जिसकी कीमत है 18 लाख रुपए और इसी के साथ साथ मौजूद है एक डुकाटी मॉन्स्टर 797 बाइक जिसकी कीमत है करीब 22 लाख रुपए। दोस्तों अगर बात किया जाए इनके मनी फैक्टर के बारे में तो आपको बता दें कि अरशद वर्सी एक फिल्म करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं और इसके अलावा वो कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाते हैं। और इसी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात किया जाए इनके टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2023 के हिसाब से अरशद वर्सी का टोटल नेट वर्थ है करीबन 270 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था अरशद वर्सी का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा।